हेलो फ्रेंड्स, आज अपने नए वीडियो के साथ में जो है ओडिस मतलब VW स्कोडा ओडी वेग ग्रुप के लिए, और आपके पास सीएट है, बेंटली है, तो आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये है अपनी 500 GB की हार्ड ड्राइव। इसमें ओडिस सर्विस, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, ओडिस इंजीनियरिंग 9.2.2 और ईट का और एल्सा विन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, ये आपको क्या डायरेक्ट लैपटॉप में डालना है और यूज़ करना चालू कर देना है। सपोर्ट किस किस में करेगा? अपने पास है यहाँ पे एक वास 5054, उसमें भी चलेगा। आपको मैं उस लैपटॉप में लगा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, और है अपने पास ये वास 6154, और एक है अपने पास VCX का। ठीक है, ये VCX का है जो आपका चलेगा। तो मैं आपको वास 6154 और VCX आज लगा के दिखाऊंगा मैं। तो ये इसमें आपको पूरा तैयार है। आप बस जस्ट हार्ड ड्राइव लैपटॉप में लगाइए और हमको बोलिए एक्टिवेट कर दीजिए, तो हम एक्टिवेट कर देंगे टीवी पर से आके, और यूज़ करना चालू कर दीजिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और ये आपको सस्ता भी पड़ता है कंपेयर टू अलग अलग इंस्टॉलेशन के, क्योंकि ये एक ही हार्ड ड्राइव में आ जाएगा पूरा डेटा के साथ में। ठीक है, इजी टू यूज़ है, प्लग एंड प्ले, सिंपल चीज़ है। और आप मोस्टली पास थ्रू डिवाइस है आपके पास, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। बस पास थ्रू का ड्राइवर डालिए और आप इसको इजीली यूज़ करते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो डालें वो आप तक इजीली पहुंच सकें। चलो शुरू करते हैं फिर अपना वीडियो, मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं ये हमारा लैपटॉप है, ठीक है, ये हार्ड ड्राइव है। तो मैं हार्ड ड्राइव लैपटॉप के अंदर पुट करता हूँ। ये मैंने हार्ड ड्राइव लगा दिया है, मैं लैपटॉप चालू करता हूँ अभी। ठीक है, लैपटॉप बस चालू करिए, और आपको सभी इसके अंदर मिल जाएगा। आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। लैपटॉप को स्टार्ट होने देते हैं। ये हमारा लैपटॉप हो गया स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं ये आपका होम स्क्रीन, ये आपका ओडिस सर्विस, ओडिस इंजीनियरिंग, और ये ईट का, और ये एल्साविन VMware में दिया हुआ है, जिससे क्या सिस्टम के ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है, तो अभी हम अपना ये वास 6154 लगाते हैं। ठीक है, डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के बाद आप लाइटिंग देख सकते हैं इसकी। ये गाड़ी के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप पहले ड्राइवर चेक कर लीजिए, अगर आपके पास कोई पास थ्रू डिवाइस हो तो पास थ्रू का ड्राइवर इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं, हमारा डिवाइस कनेक्टेड है। तो अभी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और इसको हम करते हैं कनेक्ट 12 वोल्ट से। अगर आपको ये SSD के अंदर सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी आपको मिलेगा, हार्ड ड्राइव के अंदर चाहिए वो भी आपको मिलेगा। 500 GB SSD, 500 GB हार्ड ड्राइव दोनों मिलेगा आपको। हार्ड ड्राइव पे स्पीड आपको अच्छी मिलती है, ये फायदा रहेगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना लॉगिन पेज। कैंसल, नाउ यू कैन सी हियर डिवाइस इज कनेक्टेड विथ USB केबल एंड ऑल्सो डिवाइस कनेक्टेड विथ 12 वोल्ट पावर सप्लाई। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि ये हमारे गाड़ी कनेक्टेड नहीं है, जस्ट मैंने 12 वोल्ट पावर सप्लाई दिया हुआ है इसको। और अगर आपके पास जैसे दूसरा आपने समझ लो डाला हुआ है, क्या बोलते हैं, पास थ्रू डिवाइस, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको कहाँ ऑप्शन आएगा। आपको जाना है डायग्नोसिंग इंटरफेस में, तो
अभी आपका जो भी पास थ्रू डिवाइस डाला होगा या फिर जो भी आपने इंस्टॉल किया होगा, तो ये इसके जो 6154 दिख रहा है वास, उसके नीचे आपका वो आ जाएगा पास थ्रू डिवाइस, या फिर जो भी डाला है जैसे 5054 का डालेंगे तो 5054 नीचे आ जाएगा। तो उसको सिलेक्ट करना है और यूज़ सिलेक्टेड डिवाइस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो फिर हम कैंसिल कर देंगे, तो भी आपको वही दिखाएगा। अब यहाँ पे यूएसबी केबल, यहाँ पे नीचे की साइड में रेड बिन नंबर, तो ऐसा ही रहेगा, आप इसको गाड़ी में लगा के चेक कर लीजिए। ठीक है, तो सेम अब आती है बारी ओडिस इंजीनियरिंग की। सेम आप ओडिस इंजीनियरिंग में कर सकते हो, अगर आपका जो ओडिस सर्विस में चलता है तो वो ओडिस इंजीनियरिंग में भी चलेगा। तो आप इसी प्रकार से ये VCX डिवाइस जो आता है VX डायक का, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और वैसे ही 5054। अब ये ईट का हम चालू करते हैं, ईट का। ओके, ईट का में ये इलेक्ट्रिक पार्ट कैटलॉग है वे ग्रुप के लिए, तो रन ईट का 8.3। ये ईट का स्टार्ट हो रहा है, और तो हम बीच पे स्टार्ट क्लिक करेंगे बटन पे। फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको कार का देखना है तो आप उसका चेक कर सकते हैं। आप राइट लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, सभी गाड़ियों की डिटेल्स है, और ऊपर से आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार करते हैं MU 2017 का मॉडल। अब इंजन बेस, इंजन ऑयल, तो जो भी आपको स्टैंडर्ड दिया है 5W30, 5W40। ओके, अब क्रैंक हाउसिंग, तो क्रैंक हाउसिंग पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट नंबर यहाँ मिल जाएंगे पूरे। ये रहे, ये N908138 सील बोल्ट विथ सीलिंग रिंग। अब यहाँ से इमेज भी देख सकते हैं, इनकी नंबर लिखे हुए हैं, 14 नंबर का क्या है ऐसा, 14 नंबर पे है। सॉकेट हेड बोल्ट विथ इनर मल्टीपल, इस टाइप के आप इसका पार्ट नंबर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इटका का। अब सिम एल्साविन में क्या है, एल्साविन में आप वायरिंग डायग्राम इजीली चेक कर सकते हैं, तो एल्साविन का चालू करिए। और अगर आपको ये परचेस करना है तो हमसे आप कांटेक्ट करिए, हम आपको जो ऑलरेडी जानकारी दे चुके हैं इसके रिलेटेड में, हार्ड ड्राइव का कितना बेनिफिट है, तो इजीली है, सस्ता है, इजी टू यूज़ है, सस्ता है, बस लैपटॉप में लगाइए, पुराना हार्ड ड्राइव निकालिए, ये नया वाला लगाइए और यूज़ कर लीजिए, सिंपल है। आपको सभी चीज़ें मिल रही हैं इसके अंदर, ओडिस सर्विस, ओडिस इंजीनियरिंग, ईटका, एल्साविन। तो मैंने पहले काम किया होगा तो मैंने ओडी का वायरिंग चेक किया था, ओडी A6 का, तो वो भी आप देख सकते हैं ईटका एल्साविन में है बराबर। ठीक है, यहाँ से बैक कर सकते हैं, कुछ और सिलेक्ट करना हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर प्रोग्राम, इसको क्लोज करना है तो राइट क्लोज करिए और सेव मशीन, तो यही स्टेटस पे मशीन सेव हो जाएगी आपकी इस जगह पे ही एल्साबिन में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और ये वीडियो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में जिनको भी लग्जरियस कार में काम करने का शौक है। ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम ऐसे ही नए वीडियो कंटेंट जो जानकारी वाले होते हैं वो हम डालते रहते हैं, और हम ये भी डालते हैं कि कोई टूल कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।